वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग गेम एक्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। बट अगर आप लोगों को ई स्पोर्ट्स से आगे यूट्यूब न्यूज़ या फिर आप लोगों को इंडियन मार्केट में जो भी न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है ऋषभ को लेकर। तो काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कि जो हाइड्रा सीक्रेट एंड जैक्सन है वो हमारे को एनिग्मा में जाते हुए दिख सकते हैं, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। एनिग्मा जैक्सन और सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो अल्फा क्लैशर है उनसे काफी लोग ये बोल रहे थे कि आपके साथ बाकी तीन लोगों ने भी लीव करी थी हाइड्रा एंड अब वो कहां पे जाने वाले हैं क्योंकि आपने तो एडमिट क्रिएटिव ज्वाइन कर लिया, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी तीन भैयाओं का क्या, बाकी तीन भाइयों का, वो तीन भाइयों बताएंगे, तीन भाइयों के पास क्या मुंह नहीं है क्या है? हेलो। इसके बाद जो क्रॉन्टन है जब वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पे तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे कि जो निंजा है उन्होंने आपको फ्री किल्स बोला, तो इस चीज के ऊपर जो क्रॉन्टन है उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या कहा वो भी आप लोग। YPL का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो यार लेट्स वन एक्स बेट। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वन एक्स बेट के बारे में जहाँ पे आप लोग प्रिडिक्शन करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। एंड IPL सीजन में काफी सारे प्रोमोज एंड आईफोन गिव अवेज इनकी वेबसाइट पे चल रहे हैं। एंड वन एक्स बेट पे आप लोगों को लोकल सपोर्ट, लोकल पेमेंट मेथड मिल जाएगा जो कि बाकी ऐप से यार काफी ज्यादा बेटर है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग 24/7 सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। एंड एवरी संडे आप लोगों को इनके सोशल्स पे फ्री स्पिन प्रोमो कोड मिल जाएगा। एंड आप लोगों को भी पता ही है इनके दो ब्रांड एम्बेसडर पोलार्ड एंड ब्रावो जो है वो IPL खेल रहे हैं। एंड अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से साइन अप करते हैं तो आप लोगों को 26,000 तक का बोनस मिल सकता है। तो जल्दी जाओ प्रेडिक्शन करो, IPL सीजन काफी अच्छा अर्न करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स है यार वो काफी ज्यादा हमारे को ग्रोथ ही हुई दिखाई दे रही है रिसेंट डेज में। एंड हमारे को जो उनके प्लेयर्स हैं वो फीचर होते हुए दिखाई दिए Z5 पे, वो भी एक एपिसोड में ई गेमिंग अनप्लग्ड जो कि काफी क्रेजी यार एपिसोड हमें देखने को मिला है। एंड आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं Z5 पे जाके, एंड काफी बड़ी अचीवमेंट है ये रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के लिए। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मवी को लेके। तो जो मवी है उनसे काफी लोग ये बोल रहे थे कि आप स्काउट के साथ कब खेलते हुए दिखाई दोगे, यानी उनके साथ आप कॉम्पिटेटिव खेलने वाले हो या नहीं। एंड इसका रीजन भी उन्होंने बताया, उन्होंने ओल्ड टीम के बारे में बात करी है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। स्काउट के साथ कब खेलोगे? RPRP में खेलेंगे, PC गेम्स खेलेंगे, क्लासिक खेल सकते हैं, ये उबासिया क्यों नहीं जाती है? कॉम्पी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा प्रॉब्लम है कॉम्पी खेल भी मत तू उसके साथ। हाँ ब्रो खेलूंगा भी नहीं क्योंकि जमता नहीं है ना हमारा, प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम खेलना ना खेलना नहीं है, प्रॉब्लम बहुत है। एक बंदे ने क्या बोला था पता नहीं क्या बोला था यार, जोन को लेके कुछ गलत बोला था। फिर मैंने उसको, मैंने तेरी स्ट्रीम पे आके बोला था ना कि मैं जो चीज बोलना नहीं चाहता मुझे बुलवाया मत करो। हाँ कि मेरे को, मेरे से बुलवाया मत करो जो चीज मैं बोलना नहीं चाहता फोर्सफुली। मैं ये बोलना नहीं चाहता कि मेरे टीममेट बहुत ज्यादा अच्छे थे पुराने। प्रॉब्लम पता है कंट्रोल का आता है, प्रॉब्लम जब तक मेरा कंट्रोल रहता है ना फुल कंट्रोल टीम पे तब तक टीम ऐसा स्मूथ खेल रही है एकदम स्मूथ। जब मेरा कंट्रोल नहीं होता है तो ना तो मेरे साथ खेल पाते हैं और मेरे को सबसे अच्छी चीज ज्यादा आती है और ना ही टीम अच्छी। चलो वाटर सिटी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है एसके रोसी को लेके। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो VCT पैसिफिक है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके फर्स्ट मैच में हमारे को जो एसके रोसी एंड काफी प्लेयर्स देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि उनका जो पासपोर्ट का इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एंड इसके बाद हमें लग रहा था कि वो हमारे को सेकंड मैच खेलते हुए दिखाई देंगे, बट एसके रोसी जो है उन्होंने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा था नेवर बीन दिस यूजलेस इन माय करियर, नो टूर्नामेंट, नो प्रैक्टिस, वेस्टिंग टाइम, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग about it, won't be playing the next game as well or the season, I don't know at this point. And काफी लोग फिर और को ब्लेम कर रहे थे तो उन्होंने एक और ट्वीट करा जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें और की कोई गलती नहीं है। एंड जो ऋषि भाई उन्होंने भी एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी पॉसिबल वेज थे उनको पासपोर्ट मिलने के वो सब वो ट्राई कर चुके हैं बट अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बस वेट कर सकते हैं। एंड उनके और भी काफी सारे काम जो है वो रुके हुए हैं इसी चक्कर में। एंड उनके जो ट्वीट्स हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों के इसके ऊपर क्या कमेंट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद जो मॉर्टल है उनसे काफी लोग ये चीज पूछ रहे थे कि जो BGMI है उसकी कोई अपडेट है, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। BGMI का अपडेट कब आ रहा है? होपफुली वेरी सून, होपफुली
इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है न्यू स्टेट के टूर्नामेंट को लेके, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है एंड काफी क्रेजी है रहने वाला है एंड बहुत ही बड़ा इसका प्राइस पूल है एंड काफी सारे अच्छे प्लेयर्स हमारे को इसमें खेलते हुए दिखाई देंगे एंड आज से स्टार्ट होने वाला IQE Sports के यूट्यूब चैनल पे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फेवरेट टीम्स को। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना।